श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जून 2024 को है जून महीने का पहला सोमवार इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस दिन पंडित जी द्वारा बताया गया अपनी अभी की ही समर्पण कथा में गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने तो ये वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है जिस कारणवश वो अभी तक ये वाला उपाय नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को हम तीन जून जिस जून महीने का पहला सोमवार है इस दिन आप लोगों को गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है कब करना है कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और आप लोग ये बात पहले से जानते हो कि पंडित जी जो भी नया उपाय बताते हैं उस उपाय को जो भी लोग पहले करते हैं भाई उन लोगों को इस उपाय को करने का जो फल है वो बहुत ही जल्दी मिल है और बहुत बड़ा होकर मिलता है इसीलिए दोस्तों हम आपको इस उपाय के बारे में वापस से बता रहे हैं तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या होता है सबसे पहले वो आप एक बात समझ लो तो देखो इस उपाय में आप लोगों को मात्र एक पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है पार्थिव शिवलिंग बनाना का मतलब होता है कि आप मिट्टी से ही अपने हाथों से एक छोटा सा शिवलिंग बनाओ उसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं पर ये पार्थिव शिवलिंग हमें कहां पर बनाना है ये उपाय हम कहां पर कर सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग ये बात सुन लो तो देखो इसको करने की पंडित जी ने दो जगह बताई हैं इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यही है कि इस उपाय को अगर आप अपने घर में ही करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो देखो जो दो स्थान है वो दो स्थान में से सबसे पहला जो स्थान है वो है कोई सा भी वृक्ष मतलब कोई सा भी ऐसा पेड़ जो की बड़ा हो जिसके नीचे बैठकर आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो पांच पेज पत्र वाला उपाय कर सकते हो या गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय कर सकते हो उसके बाद में जो दूसरी जगह है वो है दोस्तों आपका क्या वो कौन सी जगह है आपका गमला तो आपके घर में जो गमला है उस गमले में जो भी पौधा लगा हुआ है उस पौधे के नीचे उस गमले में आप लोग ये पांच पेड़ पत्र वाला उपाय कर सकते हो बस ध्यान इस बात का रखना है कि जिस गमले में आप लोग ये वाला उपाय करोगे उस गमले में तुलसी मियाँ का पौधा नहीं लगा हुआ होना चाहिए और अगर लगा हुआ है तो भाई आप लोगों को उस गमले में ये वाला उपाय नहीं करना है फिर इसके अलावा आप लोग किसी भी और पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हो अब भाई यहां पर प्रश्न ये भी आप लोगों के निकल कर आया है अगर हम पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर रहे हैं तो हम कौन कौन से पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हैं तो देखो पंडित जी ने ऐसे पेड़ के नाम तो नहीं बताया है पर तो हम आप लोगों को बता दें कि जो भी पूजनीय वृक्ष होते हैं जैसे कि बेलपत्रिका हो गया पीपल का हो गया या इसके अलावा शमीपत्र का हो गया आम का हो गया अमरुद का हो गया जो भी वृक्ष है इनके नीचे आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो क्योंकि पंडित जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप इसी पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हो जो भी पेड़ हैं जो कि पूजनीय होते हैं बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो उसके बाद में दोस्तों जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे वो कितनी शिवलिंग बनाएंगे तो देखो यहां पर सिर्फ एक ही पार्थिव शिवलिंग बनाना है आपको एक से ज्यादा नहीं बनाना है उसके बाद में ये जो पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी होगी यह क्या हमें अलग से लेकर आना है या जिस पेड़ के नीचे हम लोग ये वाला उपाय कर रहे हैं या जिस गमले में हम लोग ये वाला उपाय कर रहे हैं वहीं की मिट्टी से हमें ये वाला शिवलिंग बनाना है तो देखो जिस पेड़ के नीचे बैठकर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो ये जिस गमले में आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो वहीं की मिट्टी है और उसी मिट्टी से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाना है ऐसा नहीं है कि भाई आपको बड़ा सा पार्थिव शिवलिंग बनाना है एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग वहीं के वहीं आपको थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर उठाकर जो है क्या कर देना है एक शिवलिंग का निर्माण कर देना है आप उसमें जल की भी मतलब हेल्प ले सकते हो कि अगर आपको मतलब जल उसमें चाहिए पड़ेगा शिवलिंग बनाने के लिए तो भाई आप जल भी ले सकते हो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि उपाय जो है वो सुबह के समय होगा कब होगा सुबह के समय होगा थोड़ी बहुत भी हो जाती है दस ग्यारह बारह बजे तक भी अगर उपाय कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका उपाय काम जरूर करेगा उसके बाद में दोस्तों ये वाला उपाय करना किसको है तो देखो हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि ये वाला उपाय विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहने होती हैं उनको करना है और घर की सभी बड़ी माताओं बहनों को नहीं करना है घर में से जो एक बड़ी माता बहनों की उनमें से उनमें से किसी भी एक बड़ी माता बहन को ये वाला उपाय कर लेना है पुरुष को ये वाला उपाय कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं उसका यह सबसे बड़ा कार्य यह है कि ये वाला उपाय आपके घर की दुहक और परेशानियों को दूर करेगा आपके घर में जो भी आपकी परेशानियां चल रही होंगी उनको दूर करेगा और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा तो हो सके तो भाई आप में से जो भी घर की जो बड़ी माताएं बहने हो उनको ही मुख्य रूप से ये वाला उपाय करना है पर अगर किसी कारणवश घर की माताएं बहनें उपाय ना कर पा रही हो चाहे वो घर में उपस्थित ना हो तो फिर उस स्थान पर फिर घर का कोई जो बड़ा पुरुष होगा वह ये वाला उपाय कर सकता है पर कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस पांच बेलपत्र वाले उपाय को यहाँ पर करें ठीक है उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है अब दोस्तों साथ ही में एक और सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि जो पेड़ के नीचे हम लोग ये वाला उपाय करेंगे वो पेड़ हमारे घर के अंदर होना चाहिए कि घर के बाहर होना चाहिए तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है पेड़ चाहे आपके घर के अंदर लगा हुआ हो पेड़ चाहे आपके घर के बाहर लगा हुआ हो आप कहीं पर भी ये वाला उपाय कर सकते हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपके घर के सामने ही पेड़ लगा हुआ है तो भैया उस पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हो अगर पेड़ घर में ही ए तो आप घर में भी ये वाला उपाय कर सकते हो और अगर पेड़ नहीं भी है तो भाई गमले तो आपके घर में होंगे ही होंगे तो गमले में आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो और अगर गमला नहीं है तो आप किसी पेड़ के नीचे ये वाला उपाय जाकर करो तो इस उपाय को आप आसानी से कर सकते हो इसमें आपका कोई भी बहाना यहां पर नहीं चलने वाला है हम आपको इस उपाय को ऐसे बता रहे हैं अगर आपने ऐसे इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए उपाय किया है तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा उसके बाद में दोस्तों जो अगली या सबसे बड़ी बात आती है इस उपाय को करने की विधि क्या है मतलब जो सामग्री है वो क्या क्या हमें इसमें वाली है तो सबसे पहले तो पार्थिव शिवलिंग तो आप वहीं पर जाकर बनाओगे ये तो आपको पता ही चल गया और एक ही पार्थिव शिवलिंग बनेगा इसमें अलग से कुछ भी नहीं बनेगा उसके बाद में दोस्तों इस उपाय में जो आपको चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी पांच बेलपत्र की अब पांच बेलपत्र जब हमने आपको बताया तो लोगों ने ये पूछा कि अगर हमें पांच बेलपत्र न मिले तो हम क्या करें तो देखो पांच बेलपत्र अगर आपको ना मिले तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो आपको पांच बेलपत्र लाना ही पड़ेगा उसका सबसे बड़ा कारण ये है किए वाला उपाय हम किसी मंदिर नहीं कर रहे हैं अगर हम मंदिर में जाकर करते तो हम शिवलिंग के ऊपर से उठाकर पांच बेलपत्र को धोकर इस्तेमाल कर लेते पर ये वाला उपाय हम हमारे घर में ही कर रहे हैं हमारे घर के आसपास जो वृक्ष हैं उनमें ही कर रहे हैं तो भाई इस वाले उपाय में आपको पांच बेलपत्र किसी वृक्ष से तोड़कर ही लाना पड़ेगा या तो कहीं से खरीद कर ही लाना पड़ेगा वह पांच बेलपत्र अच्छी होनी चाहिए कटी पटी नहीं होनी चाहिए इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है तो यह बात आपको समझ आ गई कि पांच बेलपत्र तो आपको लानी ही पड़ेगी उसके बाद में दोस्तों दो जल अब दो लोटा जल कहने का मतलब क्या है कि हमें दो लोटा में जल लाना है तो देखो अगर आपके घर में एक लोटा तो होगा ही होगा अगर आपके घर में दो लोटा नहीं है तो भाई उस जगह पर आप एक लोटा में जल भर लो और दूसरा को ये भी एक पात्र ले लो कटोरी ले लो कुछ भी ले लो जिसके अंदर आप लोग जल भर लो पर लेना आपको दो पात्रों में जल है यहां पर पंडित जी ने दो लोटा बोला हुआ है पर कई सारे लोगों के घर में दो लोटा नहीं होंगे तो एक लोटा होगा तो एक लोटा तो आप जल भर लो और एक कटोरी ले लो या एक कोई सा पात्र ले लो उसके अंदर जल भर लो पर भरना है आपको दो पात्रों जल है और अगर दो लोटे हैं, तो भई दोनों लोटों में जल भर लो और दोनों लोटे जल को लेकर आप लोग आ जाओ अपना जहाँ पर उपाय कर रहे हो वहां पर और जितना जल्दी सुबह उपाय करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको उपाय का फल भी जल्दी मिलेगा उसके बाद में दोस्तों अब उपाय को करने की बारी आ जाती है अब उपाय को करने के लिए आप वहां पर आ जाओ जहाँ पर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो पूजन सामग्री जो आप अपने साथ लेकर आना चाहो पूजन सामग्री लेकर आ सकते हो जैसे आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर पूजनर चना करते हो शिवलिंग की वैसे आप इस शिवलिंग की भी पूजन कर सकते हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है इसी के साथ में दोस्तों एक और चीज की जो आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो है दोस्तों एक दीपक क्या एक दीपक अब ये जो दीपक है ये आप आटे का भी ले सकते हो मिट्टी का भी ले सकते हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं कोई सा भी लोगे जल जाएगा इसके अंदर जो बत्ती रखाएगी वो गोलबत्ती रखाएगी और इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा ठीक है शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल करना उपाय आपका अच्छा काम करेगा है न तो एक घी का दीपक तैयार करके आप पहुंच जाओ वहां पर जहां पर आप उपाय कर रहे हो चाहे घर चाहे घर में जो भी पेड़ लगा हुआ हो वहां पर या आपके घर के बाहर जहां पर भी पेड़ लगा हुआ हो वहां पर तो भाई उस पेड़ के नीचे आप लोग पहुंच जाओ पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका वहां पर बैठने का रहेगा आसन लेकर जाना चाहो तो लेकर जा सकते हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बैठ ही उपाय करना है खड़े होकर नहीं करना है उसके बाद में बैठकर आप लोग क्या करना है सबसे पहले तो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और शिवलिंग भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप मंदिर जैसा शिवलिंग बनाओ आपसे जैसा शिवलिंग बनता है ना वैसा आप मात्र एक पार्थिव शिवलिंग का मतलब ये होता है कि आपको मात्र शिवलिंग बनाना है जो आपको अपनी हथेली से जो है थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर की ओर उठाकर बस उस शिवलिंग को इस तरीके से तैयार कर देना है बिल्कुल ऐसा जमा कर शिवलिंग ही बनाना है आपको मात्र आसानी से जैसे आपसे शिवलिंग बनता है अपनी हथेली से वैसे आपको बना देना है और सीधे हाथ के जरिए से शिवलिंग बनाना है शिवलिंग जैसे ही आपका बन जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों अपनी पांच बेलपत्रों को निकाल लेना है क्या करना है अपनी पांच बेलपत्र को निकाल लेना है अब यहां पर आपको पहले जल नहीं चढ़ाना है बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पहले हमें जल चढ़ाना है कि बेलपत्र चढ़ाना है तो आपको पहले जल चढ़ाना है और दीपक भी पहले नहीं जलाना है ना जलाकर रखना है अब कब जलाना है वो हम आपको बताएंगे तो पहले आप अपनी पांच बेलपत्र को निकाल लो अब दोस्तों ये जो पांच बेलपत्र है ये एक एक करके उस पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ेंगे और डंडी का मुख अपनी तरफ करके आपको चढ़ाते जाना है और हर बेलपत्र को चढ़ाते समय एक आपको नाम बोलना है कौन सा नाम बोलना है वो हम आपको बता देते हैं देखो शिव जी की पांच पेटियां हैं अब पांच पेटिया में से एक एक बेलपत्र चढ़ाते समय आपको एक एक बेटी का नाम बोलते जाना है देखो हम आपको पांचों का नाम बोलकर बता देते हैं आप इसे लिख लो या नोट कर लो या याद कर लो तो शिवजी की पांच पेटियों का जो नाम है वो है जया विशहरा शामली बारी दाउतली और देव ये शिवजी की पांच पेटियों का नाम है इन पांच पेटियों का नाम आपको एक एक करके एक एक बेलपत्र को चढ़ाते समय आपको बोलना है जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ता है वैसे ही यहां पर भी बेलपत्र चढ़ेगा तो एक एक बेलपत्र को चढ़ाते समय शिवजी की एक एक बेटी का आप लोग नाम लेते जाना जैसे ही आप एक एक बेलपत्र को चढ़ाते हो शिवजी की बेटी का नाम लेते हो और आपकी पांच बेलपत्र चढ़ जाती है उसके बाद में आपको क्या करना है अब अपना वो है लोटा जल निकाल लेना है दो लोटा जो जल है या दो पात्रों में जो जल लेकर आए हो उसे ले लेना है ना अब दो पात्रों का जल है वो आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ लेना है एक सीधे हाथ में पकड़ लेना है एक उल्टे हाथ में पकड़ लेना है चाहे किसी भी पात्र में आप जल लेकर आए हुए हो अपने दोनों हाथों में एक एक पकड़ लेना है उसके बाद में आपको इसी पांच बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग के ऊपर इन दोनों पात्रों को आमने सामने कर लेना है न क्योंकि दोनों पात्रों का जल आपको एक साथ एक धारा से चढ़ाना है इस ध्यान रखना तो दोनों पात्रों को आमने सामने कर लो और आमने सामने करकर कर अपने पात्रों से जल गिराना शुरू करो धारा बनाकर जल गिराना शुरू करो उन्हीं पांच बेलपत्र के ऊपर इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर है ना तो आप जल धारा गिराना शुरू करो और ऐसी ही धारा बनाकर पूरा जो जल है वो उस पार्थिव शिवलिंग पर इन पांचों बेलपत्रों पर समर्पित कर दो जैसे ही आपका जल समर्पित हो जाता है अब आपको अपना दीपक जो है उसे जलाना है आप चाहो तो दीपक जब उपाय शुरू कर रहे हो ना तो उस समय भी जलाकर रख सकते हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप अपना वह दीपक और दीपक जलाकर फिर इस दीपक से आप चाहो तो उस पार्थिव शिवलिंग की आरती कर सकते हो जो भी करना है ना वो आप सारी चीजें कर सकते हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आपको वह दीपक जल जाता है उस दीपक को जलाकर वहां पर मतलब आपको शिवलिंग की आरती उतार कर वहां पर रख देना है और रखकर आपको क्या करना है भगवान से वहां पर प्रार्थना करना है ठीक है प्रार्थना करना है उनसे विनती करना है आपकी जो भी मनोकामना हो या जो भी दुख और परेशानी हो जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो अपनी वह और परेशानी बोलना है अपनी किसी एक ही काम के लिए ये तो वाला उपाय करना बस इस बात का ध्यान रखना एक साथ आप दस मनोकामना मत बोल देना एक साथ आप दस दुख और परेशानी मत बोल देना ठीक है, तो अपनी, है तो अपनी किसी एक ही दुहक और परेशानी के लिए मतलब आप उपाय करना अपनी जो भी मनोकामना या दुहक और परेशानी है वो जो है मतलब दीपक जलाने के बाद भगवान से विनती करके हाथ जोड़कर बोल देना और वहीं पर भगवान को धोख जरूर दे देना मतलब उनके सामने सर जरूर झुका देना ठीक है अब उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों की ये जो पांच बेलपत्र है ये पांच बेलपत्रों को आपको छोड़ नहीं आना है ये पांच बेलपत्र को उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर से आपको उठाना है और उठाकर इन्हें आपको अपने घर पर लेकर आना है इन पांच बेलपत्र के अंदर भगवान शिव जी का आशीर्वाद आ गया है और आशीर्वाद आ गया है तो इन्हें आप जब अपने घर पर रखोगे तो आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी और दुख और परेशानी जो होगी वो दूर हो जाएगी और आगे से दुख और परेशानी नहीं आएगी अब यहां पर दो सबसे बड़े प्रश्न है कि जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका क्या करना है और जो पांच बेलपत्र हमने अपने घर पे रखी हुई है इन्हें कब तक रखना है और कब तक रखकर इनका क्या करना है देखो पार्थिव शिलिंग जो आपने बनाया हुआ है उसका विसर्जन वहीं के वहीं कर देना मतलब पांच बेलपत्र उठाकर पर जब तक वह दीपक ठंडा ना हो जाए जब तक तो मत करना जैसे ही वह दीपक जो आपने जलाया हुआ है वह ठंडा हो जाए उसके बाद में आप लोग अपना यह वाला जो उपाय है यह कर सकते हो ठीक है तो दीपक उठाकर दीपक ठंडा हो जाए तो भाई उसके बाद आप उस पार्थिव शिलिंग का विसर्जन कर सकते हो और जो बेलपत्र आप अपने घर में लेकर आए हुए हो या बेलपत्र कम से कम आपको ढाई महीने तक अपने घर में रखना है ठीक है क्योंकि ढाई महीने के अंदर आपने जिस मनोकामना के लिए जिस दुख और परेशानी के लिए वाला उपाय किया होगा वह दिन के अंदर आपकी पूरी हो जाएगी या दुख और परेशानी दूर हो जाएगी वैसे दोस्तों पंडित जी ने बोला है कि पन्द्रह दिनों में आपको इस उपाय को करने के बाद फल मिलना चालू हो जाएगा पर दोस्तों उसके बाद में हमें इन पांच बेलपत्र का क्या करना है जो कि हम उपाय के लिए अपने घर पर लेकर आए हुए तो और इन्हें कहाँ पर रखना है तो देखो जब उपाय को करके अपने घर पर इन पांच बेलपत्रों को लाओ तो किसी भी शुद्ध स्थान पर रख देना है अपने भगवान जी वाले स्थान पर रख देना है किसी भी अच्छी जगह पर आप इन पांच बेलपत्रों को रखना किसी भी एक पात्र में रख सकते हो कपड़े में बांधने की आपको जरूरत नहीं है और जैसे ही ढाई महीना तो भाई आपको इन पांच बेलपत्र का विसर्जन कर देना है विसर्जन कैसे करोगे किसी भी बहते हुए जल में आप जाकर इन पांच बेलपत्र का विसर्जन कर सकते हो क्योंकि ज्यादा दिन के बाद अपने आप ये बेलपत्र सुख जाएगी तो इसके बाद आप इनका विसर्जन कर देना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है अब दोस्तों इस उपाय को आप खुद कहो कि हमने आपको कैसे समझाया है इस उपाय को ऐसे समझाया कि आपके मन में कोई सवाल आ नहीं वाला अगर आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देखा हुआ है बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं श्री शिवाय नमस्तु भीएम हर हर महादेव